दुनिया नियंत्रित होती है, इस बात को तो समझने में कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद है, देखेंगे आगे हम लोग, अंतरहिते सस्निहिसैव कुमुदति मे दृष्टि न नंदयति संस्मरण प्रिय शोभा इष्ट प्रवास जनिताम वला जलस्य दुखानि नून मति मात्र शुद्ध सहानि। अर्थात जब चंद्रमा जो है गायब हो जाता है, यानी कि चंद्रमा जब छिप जाता है, तो वह जो यहाँ पे नाम लिखा गया कुमुदवती है ना, तो कुमुदवती जो है अपनी यादगार सुंदरता से मेरी आंखों को प्रसन्न नहीं कर पाती है। एक्चुअली ये जो लाइंस लिया गया है, ये अभिज्ञान शकुंतलम से लिया गया है। अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। ये उनका जो है फेमस कृति है, इसी में शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र है भरत, जिनके नाम पे भरत का नाम भरत पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है कुमुदवती अंतरहिते सैव कुमुदवती में दृष्टि न नंदयति संस्मरण प्रिय शोभा। जब चंद्रमा गायब हो जाता है तो वही जो नाम लिखा है कुमुदवती जो है अपनी यादगार सुंदरता से मेरी आंखों को प्रसन्न नहीं कर पाती है। मतलब है बाबू, यहाँ जो वांछित निर्वासन समझते हैं ना, निर्वासित होना समझ रहे हैं, किस क्षेत्र से कोई चला गया तो उसे हम क्या कहेंगे? निर्वाचित कहेंगे। ठीक है, अब देखिए अंतर्निहिते सनिशेव कुमुद्वति में दृष्टि न नंदयति संस्मरणीय शोभा। अर्थात चंद्रमा के अस्त होने पर वज कुमुद्वती थी, उसकी शोभा मुझे आकर्षित नहीं कर पा रही है। इष्ट प्रवास जानत्या बलाजनस्य दुखानी नूनमती मात्र शुदुः सहानी। देखिए ये जो चीज होता है विरह वगैरह जो समझते हैं, निर्वासन समझिए या विरह के वक्त क्या होता है, जो बलवान से बलवान भी जो व्यक्ति होते हैं वो वहां पर क्या हो जाते हैं, उनकी जो पीड़ा होती है, निर्वासन की जो पीड़ा होती है और सहनीय होती है, कि जब व्यक्ति जुदा होता है किसी से तो उस वक्त का जो पीड़ा होता है वह असहनीय होता है। ठीक है, यह अभिज्ञान शकुंतलम से उद्धृत है। यहाँ पे एक्चुअली शकुंतला और दुष्यंत भी एक दूसरे से जुदा हुए थे, है ना। वहां पर क्या है, शकुंतला को दुष्यंत एक राजा थे जो आए थे, जंगल में आए थे, शकुंतला से विवाह हुआ था। शकुंतला उसका नाम इसलिए क्योंकि शकुन वृक्ष के तल में वो पाई गई थी एक मुनि को, इसलिए उसका नाम शकुंतला था। तो जब वो जाने विवाह की जंगल में जो विवाह हुआ उस विवाह को गंधर्व विवाह कहते हैं, उसके बाद वो जाने लगे तो सिग्नेट रिंग दिए थे टोकन के रूप में। ठीक है, कि जब कभी भी तुमको मेरा याद आएगा तो भैया ये अंगूठी लेकर के तुम आ जाना मेरे महल में, हम तुमको पहचान जाएंगे। ठीक है, दोस्तों तो अनेकों विवाह करते थे राजा लोग, क्या पहचान पाएंगे कहाँ कहाँ किसने विवाह किया, तो इसलिए वो अंगूठी दे दिए थे। ठीक है, लेकिन पता है उसका अंगूठी भी खो गया था। घर जाने दीजिए, उस विषय पर हमें अब नहीं पढ़ना है। अब हम लोग सवालों को देखते हैं, एक एक सवाल को हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल है हमारा, अस्ति शिखर कह प्रयति ही। अस्ति शिखर कह प्रयति, यानी कि अस्त होते शिखर की ओर कौन बढ़ रहा था? तो चंद्रमा, है ना, अस्त कौन हो रहा था हमारा? चंद्रमा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि चंद्रमा के अस्त होने के उपरांत क्या है, इसकी जो सुंदरता थी, कुमुदती की जो सुंदरता थी, वह भी क्या है, दर्शकों को आकर्षित नहीं कर पा रही थी। ठीक है, तो अस्ति शिखर कह प्रयाति ही, तो उत्तर हो जाएगा हमारा चंद्र हो जाएगा। अब देखिए, सा कुमुदती ही दर्शकानः नेत्राणि ही कुतो न नंदयति ही। सा कुमुदती दर्शकानः नेत्राणि कुतो न नंदयति, इनकी वह जो कुमुदती थी दर्शकों के नेत्र पर कब असर नहीं कर पा रही, मतलब वो लोग दर्शकों को कब अट्रैक्ट नहीं कर पा रही थी, तो इसके बारे में हमने जाना, चंद्रा का भावात सा मलान मुखी समृतः। मलान का अर्थ होता है मलिन, मलिन मतलब होता है गंदा। चंद्र का भावात अर्थात चंद्र के अस्त होने के उपरांत सा मलान मुखी समृता, यानी कि
क्या हो गई, वो कैसे मुख की हो गई, कैसी उसका ऐसा उसका एपीयरेंस हो गया, मलान मुख। मलान का अर्थ होता मलिन, मलिन मतलब होता है गंदा, उसका चेहरा कैसा हो गया, गंदा हो गया। जब चेहरा गंदा हो जाएगा तो वो किसी को अट्रैक्ट कर पाएगा नहीं ना, तो इसलिए इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए लोको हो, लोको हो नियमत इवात्म। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है, लोको नियमवत इवात्म दशांतरेषु इते पंक्तियों की वास्तविकं तात्पर्यः। लोको नियमवत, नियमत लोको नियमत मतलब लोक का नियम, लोक मतलब संसार, संसार का नियम है, संसार का ऐसा ही नियम है। इस पंक्ति में किस वास्तविक अर्थ को बताया जा रहा है, देखिए एक चीज समझिएगा, सूर्य का डूबना और चांद का उगना एक शाश्वत सत्य है। सूर्य के डूबने के उपरांत क्या आएगा, चंद्र आएगा, और चंद्र के डूबने के उपरांत निशा के बाद फिर वही सवेरा होगा, है ना, यानी कि दिन के बाद रात होगा। कहीं ना कहीं जो अंधेरा है, अंधकार है, वह दुख विषाद का परिचायक है, जबकि जो सूर्य की रोशनी है वह सुख समृद्धि का परिचायक है। तात्पर्य यह है कि अगर दुख है तो दुख के उपरांत सुख आएगा ही आएगा, है ना। जैसे कि इंग्लिश में पोयम है ओड टू ऑटम, ओड टू ऑटम लिखा गया है, तो जैसे देखिएगा समझिएगा बात को, हर लेखक के लिए जो पसंदीदा मौसम होता है बेसिकली स्प्रिंग होता है ना, वसंत सबके लिए पसंदीदा होता है, लेकिन एक्चुअली ओड नाम ही होता है कि भैया सबसे ये ऑड टाइप का सोचता है, तो ऑटम उसे अच्छा लगता है, क्यों, क्योंकि पतझड़ जो है में सारे पत्ते क्या होते हैं, गिर जाते हैं, तो ये भी किसी चीज का परिचायक है कि आज पत्ते झड़ गए हैं लेकिन इसके स्थान पे नवीन पत्ते आएंगे। तो उसी समझ रहे ना बात को, तो सिमिलरली लोको नियमत इवात्म दशांतरेषु इति पंक्ति का वास्तविक तात्पर्य, या तो लोक का नियम है इसका अर्थ है, पहला लिखा है लोके आत्म दशा विवेचनम न कोपि करोति, अपना विवेचन कोई नहीं करता, ये तो कोई लॉजिक नहीं बनता है। लोक का दशांतराणि शप्रविमूढा भवन्ति, ये भी कोई अर्थ नहीं दे रहा। लोक का स्व किय दशा, ये भी कुछ नहीं, स्व स्व विपत्ति संपत्ति दशाया केनापि दुख हरसो न कार्यो, अर्थात विपत्ति और संपत्ति यहाँ दिया, यानी कि सुख में और दुख में हमें ना ज्यादा दुखी, यानी कि दुख में ना ज्यादा हमें क्या होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, और जब हमारे पास संपत्ति अर्थात जब खुशी हो तब हमें ज्यादा हर्षित नहीं होना चाहिए, अर्थात समभाव होना चाहिए, समझ गए, यानी कि दुख में ज्यादा दुखी नहीं होना और खुशी के माहौल में ज्यादा खुशी नहीं हो, खुश नहीं होना है। तो स्व स्व विपत्ति संपत्ति दशाया के नापि दुष्ट कहर सो न कार्यो। अब देखिए संस्मरणीय शोभा इति पदस्य को विग्रह समुचित, संस्मरणीय शोभा, देखिएगा संस्मरणीय शोभा, संस्मरण का मतलब क्या होता है, जिसे आप याद रखते हैं, है ना, संस्मरणीय आप लोग देखो पॉइंट टू मेंबर वाला जो होता है, संस्मरणीय शोभा यानी कि जिस शोभा को बस आप संस्मरण में रख सकते हैं, याद रख सकते हैं, ठीक है, तो इस पद का विग्रह क्या हो जाएगा, संस्मरणीय शोभा, यस, यानी कि इस शोभा को सिर्फ संस्मरण किया जा सके, ठीक है, संस्मरणीय शोभा, यस सर, तो ये बहुव्रीहि समास होगा, तो बहुव्रीहि समास में जो सं इसे तोड़ेंगे संस्मरणीय शोभा, यस सर, इसकी शोभा संस्मरणीय हो, स्मरण करने योग्य हो वह संस्मरणीय शोभा। तो ये दोनों जो पद है, या दोनों जो पद है, ये किसी तीसरे की विशेषता बताएंगे, किसकी शोभा स्मरण करने योग्य है, समझ गए, तो अगर आप सवाल करें तो एक जवाब उसको जरूर निकलेगा, किसकी शोभा स्मरण करने योग्य है ना, तो जिसके बारे में हम बात करेंगे वो तीसरा पद हो गया, तो ये दोनों पद मिलकर के तीसरे पद को डिनोटिफाई करेगा, ठीक है, तो संस्मरणीय शोभा, यस सर, ये हो जाएगा, यानी कि हमारा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अब देखिए सूर्यस्य, सूर्य सूर्य रथस्य सारथी कह, सारथी का मतलब होता है रथ चलाने वाला, सूर्य का सारथी कौन है, तो सूर्य रथस्य सारथी कह, सूर्य के रथ का सारथी, ऑप्शन में आपका अरुण है, श्री कृष्ण है, मातिल है ना, देखिए यहाँ आप अरुण ही आंसर करेंगे, अब काहे अरुण, अरुण का वास्तव में तो सूर्य ही होता है, तो भाई सूर्य का सारथी सूर्य ही कैसे होगा, आपके मन में आएगा ना कि हम सूर्य को टिक क्यों करें, मन में आएगा, देखिए रथ का मालिक जो है कौन है,
वो सूर्य कहलाता है। और सारथी क्या हो जाएगा तब हमारा? अरुण हो जाएगा। रथ का मालिक यहाँ पे दिखेगा, सूर्य रथस्य सारथी कह, सूर्य के रथ का सारथी कौन है? तो रथ किसका है? सूर्य का है, अर्थात सूर्य उसके मालिक है। तो भाई इसका सारथी भी क्या होगा? इसका सारथी भी अरुण ही होगा, अरुण का मतलब सूर्य ही होता है, ठीक है। बाकी सर कोई ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि इंग्लिश में आपने कहावत पढ़ा होगा, बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर टुगेदर पढ़े हैं, चोर चोर मौसेरा भाई कहते हैं जैसे, तो ऐसे समझिएगा एक तरह का चीज है। तो बाकी श्री कृष्ण या चार नहीं दीजिएगा सूर्य का सारथी में, नहीं ना दीजिएगा, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉजिक बेस्ड है, ये अरुण होगा, ठीक है। और इसमें कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, बस लॉजिक बेस्ड है, ठीक है। चलिए तो श्लोक श्लोक दये की छंद परिपुतम, तो यहां लिखा गया है उपयुक्त श्लोक, उपयुक्त मतलब ऊपर जो दिया गया है, ठीक है, उपयुक्त श्लोक श्लोक द्वय की छंद प्रयुक्त, उसमें कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है? तो देखिए ऐसे छंद को हम वसंत तालिका कहेंगे। आप समझिए वसंत तालिका वास्तव में बेसिकली है क्या, ठीक है। देखिए कुछ पॉइंट्स हमारा ऐसा होता है, जरा सा देखेंगे। देखिए यहाँ पे किस छंद का प्रयोग हुआ है? वसंत तालिका। अब आप कहिए सर हम कैसे जानेंगे कि कौन वसंत तालिका है, कौन वसंत तालिका, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो देखिएगा जैसे हर भाषा में कुछ ना कुछ चीज कॉमन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे भी चीज कॉमन है। देखिएगा एक चीज इंग्लिश में क्या होता है, होता है एक सोनेट होता है, सोनेट किसे कहते हैं? ये जो होता है 14 लाइन्स का पोयम होता है, ठीक है, 14 लाइन की जो पंक्तियां होती है ना उसे हम सोनेट कहते हैं। तो ये जो वसंत तालिका पढ़ने वाले हैं पढ़ रहे हैं ना, ये बेसिकली क्या है? ये हमारा सोनेट है। अब कहिएगा सर यहाँ तो 14 लाइन दिया ही नहीं है, तो आप कैसे जान रहे कि ये सोनेट है? तो देखिए सोनेट का दो भाग होता है, एक होता है ऑक्टेट, एक होता है ऑक्टेट और दूसरा होता है सिस्टेट। तो ऑक्टेट बना होता है 8 लाइन का, सिस्टेट बना होता है 6 लाइन का, तो 8 और 6 कितना होता है? 14 होता है। तो अब हम फिर भी कहिए सर तो कैसे पता चलेगा 8 लाइन का है? तो भैया वो ऑक्टेट यानी कि सोनेट या वसंत संस्कृत में बात करें तो वसंत तालिका ही है, कैसे पता चलेगा? तो पहला अगर 8 लाइन आप पढ़िएगा तो इसमें आपको पूरा का पूरा फ्रस्ट्रेशन मिलेगा, समझ रहे हैं? यहाँ क्या मिलेगा? फ्रस्ट्रेशन ही मिलेगा। देखिए ना वहां बात हो रहा था कि उसकी जो सुंदरता है सूर्य चंद्रमा के अस्त होने के बाद उसका चेहरा मलिन हो जाता है, तो भैया ये तो फ्रस्ट्रेशन ही वाला बात है ना, कोई बढ़िया बात ना, दुख दर्द ही दिखेगा, समझ गए? तो 8 लाइन में अगर आपको दुख और दर्द दिख जाए तो ऐसे पकड़ लीजिएगा कि सोनेट ही है, सोनेट का ही अगर 8 लाइन दिया है तो ऑक्टेट हुआ, यानी कि। और अगर 6 लाइन नीचे वाला है तो इसका खासियत क्या होता है? अगला जो 6 लाइन होगा वो कंजोरिंग पोर्शन होता है, वो खुद को सांत्वना देने वाला होता है, ठीक है। तो 14 लाइन की जो पंक्तियां होती है वो वसंत तालिका है, ठीक है। तो चलिए एक आपको सिंपली और एक एग्जांपल देते हैं जिससे कि आपको ये सोनेट यानी कि वसंत तालिका अगर दोबारा कभी दिया रहे तो आपका क्लियर हो जाए। इसके लिए जैसे देखिएगा अंग्रेजी में एक बहुत बड़ा आपका एपिक है द पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रिगेन, जॉन मिल्टन ने लिखा है। तो उसमें देखिएगा उनका एक सोनेट भी है, उन्होंने लिखा था कि द गॉड विल चाइड मी ऑन द डे ऑफ द जजमेंट। 8 लाइन में पूरा बताते हैं भगवान उनको भैया डांटेगा, खूब डांटेगा, कहे कि भैया हमको एक वो टैलेंट वो दिए थे कविता लिखने का और क्या हो गया वो हम लिख नहीं पा रहे, कहे कि वो बहुत कम उम्र में उनका आई साइट क्या हो रहा था जा रहा था, ठीक है। तो उनको इस बात का दुख था, वो फ्रस्ट्रेशन में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? एक सोनेट लिखते हैं, उसका नाम है ऑन हिज क्योंकि यही वही भगवान जिन्होंने की मुझे आंख में दृष्टि दिया था और ये वही ईश्वर जो मेरी आंख की ज्योति को ले रहे हैं वो मुझे नहीं डांटेंगे। तो आपने देखा कि दूसरा पोर्शन को क्या कर लिए, सांत्वना दे दिए, और पहला पोर्शन में पूरा फ्रस्ट्रेशन में थे कि भैया भगवान जो उनको टैलेंट दे करके भेजे थे धरती पे वो टैलेंट हमारा धरा का धरा ही रह गया, हम को भगवान भेजे थे कि बेटा कविता लिखना और हम लिख नहीं पा रहे क्योंकि मेरी आंख की जो ज्योति वह जाते जा रही है, समझ रहे हैं? तो चलिए तो यहाँ जो आपने पढ़ा उपयुक्त श्लोक श्लोक दये की छंद परियुक्तम वसंत तालिका, तो ये जो आपका कवि आपने श्लोक पढ़ा इसमें किस छंद का प्रयोग हुआ है? वसंत तालिका। वसंत तालिका मतलब सोनेट है, समझ गए? यानी कि 14 लाइन वाली कविता है, उसमें हमने कैसे पकड़ा? 8 लाइन जो था वो फर्स्ट।